नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बंडा शाहगढ़ में सोयाबीन उड़द की फसल पीला मौजिक से नष्ट हो चुकी है। फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए युवा किसान नेता लोकेंद्र लंबरदार के साथ बंडा विनेकर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों ने राज्यपाल के नाम बंडा एसडीएम की अनुपस्थिति में बंडा तहसीलदार को ज्ञापन सौंप। ज्ञापन में उल्लेख है कि वर्ष 2020 अगस्त में अतिवृष्टि होने से सोयाबीन उड़द की फसल में पीला मौजिक रोग लग जाने के कारण फसल नष्ट हो गई, जिस कारण से बंडा विधानसभा क्षेत्र के किसान कर्ज में डूबे हैं और आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। सरकार व स्थानीय प्रशासन शीघ्र सर्वे कराकर 50,000 प्रति हेक्टेयर की मुआवजा राशि किसानों को दी जाए। किसान कर्ज के कारण परेशान है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फॉर्म भारतीय स्टेट बैंक बंडा, मध्य भारत बैंक, सहकारी बैंक, सेंट्रल बैंक बंडा में किसानों के फॉर्म तो जमा हुए, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा फॉर्म पोर्टल पर फीड नहीं करने के कारण उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसे तत्काल ही बैंक प्रबंधन से फॉर्म स्वीकृत कराया जाए ताकि किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सके। बिनिका गांव से आए किसानों ने ये भी शिकायत की कि क्षेत्र के पटवारी अपने हल्का में नहीं जा रहे हैं, जिससे उनकी फसल का समय पर नुकसान का आंकलन नहीं हो पा रहा। जो फसल नष्ट हो गई है उसके समय के जो सोयाबीन उड़द की फसल नष्ट हो गई, उसके संबंध में क्या आपकी मांग क्या है, क्या किस संबंध में पूरा मामला बताएं आप। क्या ये पटवारी लोग अपनी जमीन पर नहीं जा रहे हैं, खेत पर नहीं जा रहे हैं, उसके संबंध में दिया है कि वो खेत पर जाएं और देखें किसानों की कितनी फसल का नुकसान हुआ है। 100% फसल का नुकसान हो चुका है। तहसीलदार साहब द्वारा क्या आश्वासन मिला? उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि हमारे द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी लोग खेत पर जाएं और अब सर्वे कर दें। कई लोग बता रहे थे कि अशब्द भी बोले थे पटवारी। पटवारी बोले हैं सब कि नहीं दे रहा है मुआवजा, नहीं कर रहा है सर्वे। इस टाइप का किसान बिनेका से आए हैं। इसी परिपेक्ष में महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासक भोपाल के नाम से ये ज्ञापन लेके आए हैं सभी किसान बंधु प्रति। महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा अनुभागीय अधिकारी महोदय बंडा विषय बंडा अनुविभाग की तहसील बंडा और सागर में सोयाबीन उड़द की अतिवृष्टि का पीली मौजूद रोग से नष्ट हो चुकी है। फसल का सर्वे कराकर किसानों को 50,000 रुपये में बाबत एवं ग्राम पंचायत बिनेका पटवारी के संबंध में महोदय हम सभी बंडा अनुभाग के बंडा व सागर तहसील के किसान इस प्रकार ज्ञापन प्रेषित करते हैं। यह कि इस वर्ष 2020 में माह अगस्त में अतिवृष्टि होने से सोयाबीन उड़द की फसल पीली मौजूद रोग लग जाने के कारण नष्ट हो चुकी है, जिस कारण से बंडा अनुभाग व अनुविभाग का किसान कर्ज में डूबा व आत्महत्या के लिए मजबूर है। यदि सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा शीघ्र सर्वे नहीं किया गया व 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि नहीं दी गई तो किसान कर्ज के कारण परेशान होकर बर्बाद हो जाएगा। यह कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फार्म स्थानीय स्टेट बैंक व बंडा, मध्य भारत बैंक बंडा, सहकारी बैंक बंडा, सेंट्रल बैंक बंडा में किसानों के फार्म तो जमा कर लिए गए, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा फार्म पोर्टल पर फीड नहीं किए जाने के कारण किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही कर फार्म फ्रीज कराए जाए। सर, सबसे बड़ी जो समस्या है वो बैंक मैनेजरों की है, वो फीडिंग नहीं कर रहा है। स्टेट बैंक तो बहुत बुरी हालत में रहता है हमेशा, तो पहले तो बैंक ताकि फसल बीमा तो हम लोग का हो ही हो गए हैं, उसके बाद ही फीडिंग नहीं। आप लोगों ने जमा कर दिए तारीख तक सभी अच्छा, कहीं ये ऐसा बहाना करके वो